एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। जी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों के लिए कक्षा दसवीं के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी और खुशियों का दोस्तों मैं खबर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी दोस्त पूरे देखने का प्रयास करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और दोस्तों आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 17 फरवरी 2022 को प्रथम श्रेणी का जो पेपर है दोस्तों मैथमेटिक्स का, वह वायरल हो गया दोस्तों। दोस्तों, खबरों की माने तो हालांकि बोर्ड ने इस पर इनकार किया है। बिहार बोर्ड ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अफवाहों पर आप ना जाएं, आप किसी भी बातों पर ध्यान ना दें, अपने पेपर की तैयारी करते रहें दोस्तों। यह बात सत्य है दोस्तों कि पेपर आउट हुआ था मोतिहारी, जी दोस्तों, मोतिहारी एरिया से वायरल हुआ था पेपर। 16 क्वेश्चन जिसमें से दिखाया गया है और 16 प्रश्न बिल्कुल ही, लेकिन वहां पर सीज नंबर, जी दोस्तों, सेट नंबर, सीज नंबर जो अलग था। बहुत से लोग जो है बच्चों को भयभीत कर रहे हैं अपनी अपनी बातों को कह कर दोस्तों कि जो है कि पेपर आउट हो गया दोस्तों, रद्द हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, पेपर आपका कैंसिल होने वाला नहीं है। आपका पेपर सिर्फ एक बचा हुआ है, वह भी संस्कृत का, उसके बाद कोई भी पेपर आपका दोस्तों रद्द होने वाला नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जी दोस्तों, अप्रैल महीने में, जी दोस्तों, मार्च के बाद अप्रैल के लास्ट में आपका रिजल्ट जो है दसवीं क्लास का और इंटर का भी दोस्तों दोनों आने का गुंजाइश है। जैसे ऐसे पेपर दोस्तों आएगा, वैसे वैसे मैं बताऊंगा। मैं आपको यह भी बता दूं, बिहार बोर्ड की जांच कमेटी इस पर जांच भी कर रही है। इसमें पाया गया कि हाँ, 16 प्रश्न वायरल हुए हैं, लेकिन सीरीज नंबर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये कहाँ से हुआ, कैसे वायरल हुआ दोस्तों, इसके बारे में जांच कमेटी जो है बैठी हुई है और बिहार बोर्ड अभी तक इनकार करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग पेपर वायरल नहीं किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्ट लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक की। मैं आपको बताऊं दोस्तों, कई बच्चे तो काफ़ी सुनकर इस बात को गंभीर हो गए हैं, उदास हो गए हैं, क्योंकि उनका मैथ का पेपर अच्छा गया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक जो है कोरोना काल में अच्छी पढ़ाई की थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दोस्तों कि ऐसे अफवाह पर ना जाएं, पेपर आपका वायरल हुआ था ऐसी बात है, लेकिन रद्द होने की गुंजाइश नहीं है, आपका पेपर जो है रद्द नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको वीडियो बनाकर दोस्तों सहमति देने, आपको समझाने के लिए आ गया कि आप चिंता ना करें दोस्तों, आप अपने परीक्षा की तैयारी करें और आगे का रास्ता देखें कि हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हमको आईएससी करना है, बीएससी करना है या कॉमर्स लेना है। दोस्तों, जो भी तैयारी करते हैं दोस्तों, आप ज़रूर अपना जो है कि सोचे समझे और आगे बढ़ें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप गंभीर ना हों, आप चिंता ना करें, आपका पेपर जो है रद्द नहीं हुआ है और आप शांतिपूर्वक जो है आगे की तैयारी करते रहें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।